बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फरीवलर्स, खुश आमदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी 14 अगस्त के हवाले से। आप सबको 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। नारियल की बर्फ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। और किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश साबुन से धो लीजिए और दुरूद शरीफ़ इब्राहिम या खालिक या मुसव्वर या जमीलों का वेट करते रहे। खाने में बरकत और लज़त होगी। चीज़ें नोट कर लीजिए, अच्छी तरह लिखी हुई आ रही हैं। आपने ये सब चीज़ें जिस मिकदार से आपने नारियल की बर्फ़ी तैयार करनी है उस मिकदार से आपने ले लेनी है। हमने जितनी मिकदार से तैयार करनी थी उस मिकदार में हमने ये सारी चीज़ें जो हैं ले ली। तो हमने सोचा चलें जी, 14 अगस्त भी है, नारियल की बर्फ़ी तैयार करते हैं और आपके साथ 14 अगस्त मनाते हैं। हमने तो बनाई और खाई, बड़े मज़े की बनी है। आपने बनानी है और खानी है और बताना है कि कैसी बनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। ये देखिए जितनी चीज़ें थीं हम सब ने उनको, अब ये देखें एक डिश में हमने डाल लिया है और हम उसे उंगलियों की मदद से गूंद रहे हैं। और अब हमने गूंदने के बाद हमने दूध से गूंदा है और उसके बाद हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और जो हमने ग्रीन कलर लिया था एक हिस्से में, हमने ग्रीन कलर जो है वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने सारी जो वीडियो है गौर से देखते रहना है, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बार बार बताऊंगी कि क्या किया था, किस चीज़ की कमी रह गई थी। क्योंकि ये बाकी सब वीडियो देखने वाली है कि क्या तरीका हमने अख्तियार किया है, उस तरीके से आपने करना है। दुरूद इब्राहिम या खालिक या मुसव्वर या जमीलों का वर्द भी करते रहें और जश्न आज़ादी भी मनाइएगा और बर्फ़ी भी खाइएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना, कैसा लगा। बड़े अच्छे अच्छे नगमे होते थे, मिली नगमे, बड़े प्यारे नगमे होते थे। एक उस्ताद अमानत अली ख़ान का था, मुझे भी बहुत अच्छी उसकी शायरी बहुत अच्छी लगी, तो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा है कवि, मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जा फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ए वतन प्यारे वतन। ये देखिए हमने दोनों इसमें डिवाइड किया था और ग्रीन और जो वाइट है हमने क्या तरीका अख्तियार किया, आप उनको देख लीजिए। और फिर जिस तरीके से हमने रखा है आपने उस तरह करना है उसको फाइल पेपर में। अब उसको लपेट के हमने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने उसको रख देना है। और ये देखें जी, हमने सोचा कि चलें थोड़ा सा हम घूम फिर के आए थे रात के टाइम, तो हमने वो वीडियो भी बना ली थी कि ताकि आप लोगों से भी शेयर की जाए कि इस्लामाबाद में देखें कितना अच्छा सजाया है और कितना अच्छा लग रहा है। अपने वतन से प्यार होना चाहिए, अपने वतन की मिट्टी से। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दे यार, मेरा सीना तेरी खिदमत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन,
ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ये देखो जी, आधे घंटे के बाद हमने उसको फ्रिज में से निकाल लिया है, और निकालने के बाद हम उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखें जी, हमने इसको जो शेप दी है, बड़ी प्यारी शेप है। आपने इसको ट्राई करना है, चखना है, हमें दुआओं में याद रखना है, हमें कमेंट्स देने हैं। आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, आप सब दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे, और आप लोगों को भी रहमतें और बरकतें दे, और हम सबको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ट्राई कीजिएगा और ख़ूब जश्न आज़ादी मनाइएगा, और दुआ में भी याद रखिएगा, और आप सबको हम सब की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।